दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्या ये एक दिन में डेवलप हुआ है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसको डेवलप करने के लिए हमें सदियों का वक्त लगा है। हम इंसान पहले कब बोलना चालू किया और पहले वो कौन सा साउंड है जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। आज जो भी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा। जॉर्ज पुलस, जो कि साउथ अफ्रीका के एमेरिटस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इन्होंने अपने अधिकांश एकेडमिक करियर को अफ्रीकी भाषाओं की फोनेटिक और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च करने में बिताया है। उन्होंने इस लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में जो भी रिसर्च किया है, उन सब फाइंडिंग्स को अपनी नई बुक ऑन द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज पे पेश किया है। इस बुक पे उन्होंने बताया है कि इंसानों ने पहले कब बोलना चालू किया और आज के जो मॉडर्न लैंग्वेज है, इसका एवोल्यूशन अफ्रीका में कैसे हुआ, इसके बारे में वो विस्तार से लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में, जैसे कि द मामा थ्योरी, द टाटा थ्योरी, द वाव वाव थ्योरी, द पूपू थ्योरी, द डिंग डोंग थ्योरी। लेकिन हम इस वीडियो में इन सवालों के आंसर जॉर्ज पुलस के करंट रिसर्च से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी रेलिवेंट है। जॉर्ज पुलस की इस स्टडी से पता चलता है कि पहला स्पीच साउंड लगभग 70,000 साल पहले बोली गई थी, ना कि सैकड़ों हजारों या लाखों साल पहले, जैसे कि बहुत सारे लिटरेचर में दावा किया जाता है। जॉर्ज पुलस की रिसर्च मेनली फोनेटिक और लैंग्वेज एनालिसिस पर बेस्ड है। हालांकि इन्होंने दूसरे विषय को भी ध्यान में रखा है, जैसे कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी करता है, आर्कियोलॉजी, जो कि फॉसिल्स और दूसरे रिमेंस का एनालिसिस करता है, एनाटॉमी, जो कि बॉडी के बारे में है, और जेनेटिक्स, ये जीन्स के बारे में स्टडी करता है। होमो सेपियंस यानी हम लोगों की ना बोलने वाली प्रजाति से बोलने वाली प्रजाति में परिवर्तन लगभग उसी समय हुआ जब हम लोग अफ्रीका से बाहर चले गए थे। जब तक हम लोगों की पूर्वज अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर चले गए, तब तक इन लोगों ने स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, ये एक्वायर कर लिया था, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। ये वो एबिलिटी थी जो किसी भी चीज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसने उन्हें एक ऐसी दुनिया में पहुंचाया जिसमें वो दूसरे सभी प्रजातियों पर हावी हो गए। हम लोगों की पूर्वज में जो पहली स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आई है, इसमें उनकी बॉडी, उनके आसपास जो भी एनवायरनमेंट था, वो बहुत हद तक इम्पैक्ट डाला है। और साथ ही हम लोगों की पूर्वज ने अफ्रीका की इनर कॉन्टिनेंट से जब बाहर कोस्टल साइड में जाके रहने लगे, तब उन लोगों के खाने में जो परिवर्तन आए थे, जैसे कि मैराइन खाने में ओमेगा फैटी एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, वो काफी इम्पैक्ट डाला है हम लोगों की पूर्वजों की ब्रेन में, जिससे स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में काफी मदद मिली थी। हमारी पूर्वजों की जो वोकल ट्रैक्ट है, वो एक लंबी समय में धीरे धीरे डेवलप हुआ है, और इसके डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेप्स ने उन स्पीच साउंड के टाइप्स का भी डिटरमाइन किया है जिन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता था। जब वो लोग अफ्रीका से बाहर जा रहे थे, उस समय वोकल ट्रैक्ट के एक मात्र पार्ट यानी माउथ एरिया, जिसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है, जो कि शारीरिक रूप से स्पीच साउंड को डेवलप करने के लिए डेवलप हुआ था, उस समय केवल मुंह में यानी ओरल कैविटी में प्रोड्यूस्ड होने वाली एकमात्र साउंड थी क्लिक साउंड। क्लिक स्पीच साउंड वो साउंड है जहां दोनों होठों को एक साथ लाए जाते हैं और जीभ के पीछे के हिस्से को मुंह के पीछे उठाया जाता है, होठों को फिर थोड़ा अंदर की ओर खींचा जाता है, और जब छोड़ा जाता है तो एक क्लिक स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तस्वीर के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कैसे ये क्लिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इस समय के अंदर वो लोग मुंह के अंदर एयर स्ट्रीम को कंट्रोल करना सीख लिया था, जो कि स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। इस एयर स्ट्रीम को कंट्रोल करने के जरिए वो लोग क्लिक जैसे साउंड को निकाल सकते थे। क्लिक एकमात्र नॉन स्पीच साउंड थी जो इस तरह प्रोड्यूस हो सकती थी। ये क्लिक साउंड आज भी कुछ अफ्रीकी भाषाओं में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्से में जहाँ पे खोसन लैंग्वेज बोला जाता है। जॉर्ज पुलस की रिसर्च से पता चलता है कि क्लिक साउंड शायद होमो सेपियंस द्वारा प्रोड्यूस्ड पहली स्पीच थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीभ के विभिन्न भाग अधिक से अधिक गतिशील होते गए, जिससे मुंह में दूसरे क्लिक स्पीच साउंड का भी प्रोडक्शन संभव हो गया। ये स्टडी हमें बताता है कि दूसरे सभी ह्यूमन स्पीच साउंड, मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट और वायल साउंड है, इन सब का उत्पादन लगभग 50,000 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही हो गया, इसके लिए बहुत समय लगा है। ये सारे लेटर का स्पीच साउंड हम लोगों की जो वोकल ट्रैक्ट है, इसके डेवलपमेंट के साथ डेवलप हुआ है। वोकल ट्रैक्ट के साथ ओरल कैविटी यानी मुंह, नेसल पैसेजेस, लैरिंग्स और इसके वोकल कॉर्ड्स इंक्लूडेड है, जो कि स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी स्पीच साउंड प्रोडक्शन के लिए समय के साथ धीरे धीरे हमने एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का डेवलप किया है। चलिए जानते हैं कि कैसे इन मैकेनिज्म के जरिए हम स्पीच साउंड को प्रोड्यूस
करते हैं। हम लोगों की गले में दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक विंड पाइप है जो कि आगे की ओर होते हैं और ये लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका माध्यम से एयर ट्रेवल करके हम लोगों की लंग्स में पहुंचते हैं। दूसरा होता है फूड पाइप जो कि विंड पाइप के पीछे होता है, जिससे हम खाने को निगलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो गले में निकला हुआ भाग है जिसे हम लोग कंठ कहते हैं, इसे ही मेडिकल की भाषा में लैरिंग्स कहा जाता है। और ये जो लैरिंग्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी के जरिए हम बोल पाते हैं। ये जो लैरिंग्स है इसके लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसमें 5 स्ट्रक्चर होते हैं। ये है हाइवेट बोन जो कि किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये मसल के जरिए हम लोगों की चेहरे और गले की हिस्सों से जुड़ा रहता है। इसके बाद ये हाइवेट बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन से थायरॉइड कार्टिलेज जुड़ा हुआ रहता है, जिसे कंठ भी कहा जाता है। ये इसका शेप है। इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से आवाज की पिच में भी चेंजेस होता है। और इस थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे एक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है क्रिकोएट कार्टिलेज, जो कि थायरॉइड कार्टिलेज को नीचे से सपोर्ट करता है। ये तो हुआ हम लोगों की वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स की सामने की स्ट्रक्चर। चलिए अब जानते हैं इसकी अंदर की स्ट्रक्चर को, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इसी के अंदर एपिग्लोटिस जो कि थायरॉइड कार्टिलेज और हाइवेट बोन के सहारे लगा रहता है। ये बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एपिग्लोटिस हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना जब अंदर जाते हैं तो ये विंड पाइप को ढक देता है, जिसकी वजह से खाना विंड पाइप के जरिए लंग्स पे नहीं जा पाती है। ये खाना सीधा हम लोगों की पेट पे जाती है। इसमें जो आपको दो धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे ही वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जिनकी दोनों तरफ मसल अटैच रहता है और ये मसल की वजह से ही ये वोकल कॉर्ड मूव कर पाते हैं। सांस लेते समय यानी इनहेलेशन के समय ये वोकल कॉर्ड ओपन हो जाते हैं और एक्सहेलेशन के समय यानी सांस छोड़ते समय ये बंद हो जाते हैं। आखिर ये आवाज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चलिए जानते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये सांस विंड पाइप के जरिए वोकल कॉर्ड से होकर गुजरता है और हम लोगों की लंग्स पे पहुंचती है। लेकिन सांस लेते टाइम ये वोकल कॉर्ड खुला रहता है। जैसे ही सांस अंदर जाती है ये वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब वोकल कॉर्ड खुल जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे कि गाना गाना चाहते हैं, तब वोकल कॉर्ड को एक साथ ले आते हैं। इसकी वजह से वोकल कॉर्ड के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाती है और उसके बाद लंग से कम प्रेशर में एयर को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इस वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने लगते हैं। और जैसे हम सब लोगों को पता है कि जब कोई भी चीज वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी तरह स्पीच साउंड का प्रोडक्शन होता है। आप लोगों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि क्लिक साउंड से पहले हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। हम लोग क्लिक साउंड से पहले कम्युनिकेशन करने के लिए वोकलाइजेशन और वोकल कॉल्स के यूज करते थे। आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि ये वोकल कॉल्स क्या है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक बच्चा बात करना सीखने से पहले जो साउंड प्रोड्यूस करता है अपना इमोशन को समझाने के लिए, जैसे कि अगर बच्चा को भूख लगता है तो वो ये नहीं कहता मुझे भूख लगा है खाना दो, वो रोके उस भूख को एक्सप्रेस करता है। ठीक इसी तरह ही वोकलाइजेशन और वोकल कॉल्स होता है। उस समय ये जो वोकलाइजेशन का एक्सप्रेशन था ये कुछ इस तरह हो सकता है, जैसे कि हम लोगों की पूर्वज उनके आसपास जो भी चीज हुआ करता था शायद उसकी इमिटेशन और मिमिक करके अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता होगा। नहीं तो ये कुछ अनचाहे साउंड भी हो सकता है जो कि हम लोगों की बहुत सारे इमोशन को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि योनिंग करना, स्नीच करना, जो कि ऑटोमेटिकली आते हैं। लेकिन हमें इन साउंड से कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि हम इस साउंड को हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसके आधार इन सब अनचाहे साउंड को नहीं मान सकते। ये जो हम लोगों की मॉडर्न डे लैंग्वेज है ये इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के ऊपर बेस्ड है, जिसको हमने धीरे धीरे समय के साथ डेवलप किया है। जैसे जैसे डिफरेंट स्पीड साउंड का डेवलप हुआ वो वर्ड बनाने के लिए डिफरेंट तरीके से एक साथ जुड़ता गया और ये अलग अलग तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाया जो आज हम लोग बोलते हैं। अगर आप दो पत्थर को रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलेगी, उसी तरह हम लोगों की पूर्वज की स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने की जो इनिशियल एबिलिटी थी उसी एबिलिटी ने उनके अंदर एक चिंगारी पैदा की और उसी की वजह से लैंग्वेज का धीरे धीरे डेवलप हुआ। ये जो आज हम ग्रामेटिकल सेंटेंस बोलते हैं ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत सारे समय लगे। होमो सेपियंस यानी हम लोगों ने बहुत देर से ह्यूमन लैंग्वेज को एक्वायर किया। जॉर्ज पोलस की स्टडी में ये तर्क दिया गया है कि भाषा जैसे कि हम आज जानते हैं ये लगभग 20,000 साल पहले इमर्ज होना शुरू हुई थी। अर्लियर ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है कि फर्स्ट स्पीच साउंड वर्तमान होइसन लैंग्वेज के बोलने वाले की पूर्वज द्वारा बोली जाती थी। इस ऑब्जर्वेशन से ये माना जा सकता है कि
उन्होंने सबसे पहले एक ग्रामेटिकल सेंटेंस को बोलने की शुरुआत की थी। आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके ऊपर बेस करके हम ये कह सके कि नियंदरथल्स जैसी दूसरी प्रजातियां कभी ग्रामेटिकल लैंग्वेज बोल सकती थी। उनके पास स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायर्ड वोकल ट्रैक्ट डायमेंशन चाहिए वो उनके पास था ही नहीं। लगभग 70,000 साल पहले स्पीच साउंड का प्रोडक्शन एक यात्रा की शुरुआत थी जो मानव भाषा के विकास की ओर ले जाने वाली थी। लैंग्वेज ने हमें कम्युनिकेशन का एक मीडियम दिया है। लैंग्वेज के वजह से हम हिस्ट्री के बहुत सारे प्राचीन चीजों के बारे में आज